भाई तलवार कलर लिखा है चमड़ा। ये बच्चा पक्का बड़ा होगा शिक्षा मंत्री ही बनेगा। वैसे टोटल गलती इस बच्चे की नहीं, इसके शिक्षकों की भी है। हाँ हेलो, हाँ ये ब्लैक कलर की स्विफ्ट दिख रही है, हाँ इसी में आ जाओ। हाँ ठीक है, ओके ओके। और कैसे हो आप? वो तू निंजा है? जितनी पजामी नहीं बस नहीं तेरे तो एक ही। भाई वो निंजा नहीं, पेंगुइन है। ओ माँ कसम, भाई ये जो भी एडिटर है उसने दिल खुश कर दिया, फेफड़े उदास कर दिए। देखिए दोस्तों, मैं आज आपको बताता हूँ, अगर किसी भाई की बहस जोड़ में काफी देर से पड़ी हुई है और बाहर नहीं निकल रही, वो बिल्कुल परेशान हो चुका है, तो उसके लिए मैं सिंपल सा आइडिया, एक मंत्र लेके आया हूँ। आपको हु का जाप करना है दोस्तों, और देखना आपकी बहस छू से निकलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये देखिए कितना कारगर मंत्र है दोस्तों, कभी कर देखना आप, जबरदस्त मंत्र है भगवान का। ये देखो सभी हमारी बहस निकल। इस भाई को मेरी यही सलाह है कि भाई ऐसी वीडियो मत बनाओ, पता लगे दोबारा वीडियो बनाने लायक ही ना बचो। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे ब्लाउज में। ये भी ठीक है, ब्लॉग चले या ना चले बट ये अवश्य चलेगा। तो राम राम मेरे प्यारे यूनो की हलचल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पेटेड ऑफिशियल में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। I just got a comment on ध्रुव राठी वाली वीडियो। दुनिया में बिलियंस ऑफ बच्चे हैं, क्या हमें एक और बच्चे की जरूरत है? सवाल तो भाई जेन्युइन है। एक कोई बचपन का ड्रीम जो बड़े होते होते छूट गया? बचपन में तो मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना था, पर फिर पता चला उसकी इज्जत नहीं होती तो मैंने छोड़ दिया। वैसे देखा जाए तो ये फैक्ट है, क्योंकि हमारे देश में कुत्तों को भौंकने की कुछ ज्यादा ही आजादी है। इधर मंदिर है और इधर गरीब है, और इधर गरीब लोग है। इधर मंदिर और इधर गरीब, और इनके बीच में ये दोनों चूतिया भी है, वो भी चंद चूतिया। अब इन दोनों ही क्रिंज को मिलकर दरगाह व मस्जिद के सामने भी जाकर एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, उसके बाद ये दोबारा वीडियो बनाने लायक शायद नहीं बचेंगे। इतनी देर से मैं पूछ रही हूँ कि रिचार्ज बढ़ गया है, कि रिचार्ज कराओगे? रिचार्ज कराएंगे, अब रील्स फिर देखने में दिक्कत हो जाएगा, रील्स थोड़ा देखते हैं, बेरोजगार आदमी है। मांगा करके अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या करेंगे, अंबानी को थोड़ा पैसा भी तो निकालना था। भाई का ये दुख दर्द देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, बट हाँ ये फैक्ट है कि अंबानी को शादी का खर्चा भी निकालना था। नहीं होता ना बेटा, उनको ऐसा भी दिखता हमारे जैसा। ये कैरी है, कैरी मेरे को रोज किया था, सॉरी बोल दे मेरे फैन को। कभी क्या होता है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है। बस क्या कह रही भाई, कहते आपने लुटिया डुबा दी, बस सोशल मीडिया पर ही रोस्ट करते हो, रियल लाइफ में कोई भी रेल कर चला जाता है। हाँ मम्मी, पाकिस्तान पहुंच गया मैं। हाँ बस ये दुकान से बिस्किट का डब्बा लिया, बस खाने ही जा रहा था। हाँ देखो, जो लोग भी पाकिस्तान घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, जितने ये व्लॉगर हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए थी। लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये क्या था भाई, आखिर ऐसी फजीयत कौन कराता है? यार बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा वगैरह पीते। ठंडा वगैरह पीते, चलो तुमको भंडारे का शरबत पिलाती हूँ मैं, चल। वो सब तो ठीक है, बट एक बार को आप ये सोचो कि इतनी गर्मी में भी वो बेचारी काला तंबू पहनकर घूम रही है। हाँ सकीना, बता किसने बुला रही थी? ये देख बता ना, तुझे मेरे इन चार भाइयों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? मेरे घर में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है यार। तेरे लिए नहीं, मेरे लिए।
इसमें है करने वाली क्या बात है, उनके यहाँ तो चलता है, यही तो मजहब की खूबसूरती में चांद लगाता है। अब क्या ही बोले इनके लिए, ये मानसिक रूप से एकदम बीमार हो चुके हैं। कोई पता करो भाई, इस वीडियो के बाद से मजहब खतरे में तो नहीं आया है ना। अब कृपया कमेंट सेक्शन में कोई ये मत लिखना कि वल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। आज हमारे गांव में पापा के दोस्त के यहाँ किसी का इंतकाल हो गया था, तो मैं भी पापा के साथ आ गया। फिर सब लोग जनाजे को लेके आ गए कब्रिस्तान। इंतकाल रात में हुआ था और कब्र भी रात में ही खोद दी गई थी। फिर सुबह 10 बजे सब लोगों ने मिट्टी दी। ये सब मैंने पहली बार देखा तो मुझे थोड़ा सैड फील हो रहा था, लेकिन एक ना एक दिन हमें भी मर के इसी मिट्टी में दफन होना है। कब्र को पूरी तरह तैयार करने के बाद हम सब ने मरने वाले के लिए दुआएं मांगी और यहाँ पे सब लोग मिट्टी दे रहे थे और दुआएं पढ़ रहे थे। कंटेंट बनाओ तो ऐसा बनाओ कि हिंदू मुस्लिम मिलकर गालियां दें। देखो 10 सेकंड में ही 1 महीने के राशन का जुगाड़ हो गया और आप लोग बुरका बैन करने की मांग करते हैं। देखो कितने फायदे हैं एक बुरके के। चलो बेगम ईद की खरीदारी शुरू करते हैं। ये सूट पसंद आ रहा है? आ रहा है? ए ले रख लेता हूँ। सूट पसंद आ रहा है तो मैं रख लेता हूँ। ए रख लिया मैंने, लो चोरी कर ली मैंने तुम्हारे लिए बेगम, चोरी भी हाजिर है। ए लो बेगम, और कोई दूसरा सूट पसंद आ रहा है? अरे बताओ बेगम बताओ, बस मोहब्बत करते हैं हम तुमसे, ईद की खरीदारी कर रहे हैं। ए लो बेगम, आ गया पसंद? ए लो, ये भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हैं बेगम। और बताओ बेगम, और कुछ पसंद आ रहा है? नहीं आ रहा है, चलो तो फिर चलते हैं, चलो चलते हैं दूसरी दुकान देखेंगे, चोरी करेंगे। अरे इधर आओ बेगम, इधर आओ, चलते हैं फिर दुकान वाला देख लेगा। देखो अब ये मत कहना कि दुर्गेश भाई बुरके के ही नहीं पैजामे के भी बहुत फायदे हैं। परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तेरे घर में जो तुम्हारी बन नहीं रही पति पत्नी की, तुम डिवोर्स लेना चाहते हो, डिवोर्स का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसका हो रहा है? वो कर रहा है। तुझे चाहिए कि नहीं डिवोर्स? चाहिए नहीं चाहिए, कैंसल करते हैं। जो भी पाते थे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाए। देखो भाई, अब से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना बंद करो। अगर डिवोर्स का कोई भी केस है तो आप सीधे इसके पास जाओ। वैसे तो अभी ये सिर्फ और सिर्फ पाखंड की शुरुआत ही है। आप लोग केजरीवाल को पंजाब में एक बार चुनाव और जितवा दो, उसके बाद आपको असली पाखंड देखने को मिलेगा। जिनके गुरुओं ने अपने प्राण इस धर्म को बचाने के लिए न्यौछावर कर दी, आज वही लोग ऐसी हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप इसी बात पर कमेंट कर सकते हैं कि ईसुदा खालसा जीसस दी फतेह। बात अगर इंसानियत की है, हाँ बात तो इंसानियत की है, तो पहले एक इंसान हूँ, ठीक है। मजहब को अगर बीच में लाओगे तो कट्टर मुसलमान हो। है मैडम जी, तुम कट्टर हो, दिखाएं तुम्हें कितनी कट्टर हो, ये देखो। है मैडम जी, इस्लाम में तो जींस टॉप हराम है। अरे तुम गिरी पैर रही हो, बताओ कितनी कट्टर हो। बेचारी को कट्टर भी रहना और मुजरा भी करना, भला मजहब में ऐसा कैसे संभव है? अरे बेटे बेटे, अपना जज्बात पर काबू रखो। हमने कहा था ना कि तब तक हलाला पूरा ना हो जाए, रेहाना को तुम अपनी माँ की तरह देखो। हलाला से पहले रेहाना के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई भी नापाक ख्याल आता है तो ये शरीयत के खिलाफ जा सकता है, ये गुनाह होगा, समझते हो ना तुम? अपने जज्बात पर काबू रखो। इसके दिल में नापाक ख्याल है सफी साहब, सच बताइए आरिफ के या आपके? क्या कोई ये बताने का कष्ट करेगा कि ये कौन सी मूवी का सीन है? इन्होंने तो पूरी की पूरी सच्चाई ही दिखा डाली।
चाचा जूस कितने का है? 10 का है। एक गिलास लगा दो। अरे कुछ भी कहो चाचा, आपका जूस तो बड़ा मीठा है। जूस मेरा नहीं है, ये तो गन्ने का है जूस। अरे लेकिन दिया तो आपने है। मैं कौन होता हूँ देने वाला? देने वाला तो अल्लाह है। ठीक है चाचा, चलता हूँ। अभी मदद है भाई, पैसे तो दे दो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किस चीज के पैसे लोगे? अरे जूस का पैसे दे दो। अरे जूस तो गन्ने का था। लेकिन दिया तो मैंने था। अरे आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला तो अल्लाह है। मुझे लगता है कि अब शायद अब्दुल चाचा दोबारा नहीं बोलेंगे कि देने वाला तो अल्लाह है। कुछ लोग पानी को जल देवता मानते हैं और उसी पानी से सुबह शाम अपना पिछवाड़ा धोते हैं। ये तो जल देवता का घोर अपमान है, सर मानी चाहिए ऐसे लोगों को। मित्रों, ये नीले कबूतरों का भी कोई जवाब नहीं है। भगवान के अपमान पे ये हमें ज्ञान बड़ा बड़ा देते हैं। अब आप ये फोटो को ही लेकर देख लीजिए। अब मुझे बताइए, इस हाथ से ये पिछवाड़ा नहीं धोएगा क्या? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या मैंने कुछ गलत बोला? भाई नहीं, इसे काफी अच्छे से रेल दिया, ज्यादा कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, एक कारे तारा हाजरो रत मोरत खूब सूरत। इनकी अब एक अलग ही दुनिया चल रही है। अगर ये कुर्ता नीले रंग का होता तो बाबा साहब का सम्मान और बढ़ जाता। फिलहाल अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जल्द ही एक नए पैगंबर देखने को मिलने वाले हैं। जय नीला सलाम गाइस। मम्मी, इस सफेद आटे को मैं नीला कैसे करूं? नील मिला लो। तो आप नील भी नहीं मिलाकर दे सकते क्या मेरे को? अब तो ये भेदभाव खत्म करो। गाइस फाइनली आज हम नीली रोटी खाएंगे, अब हर जगह नीला ही छाएगा। ये जहर हो गया, इसको खा के मरोगे क्या? क्या पड़ा है इसमें? नीले में तो देखो क्या क्या पड़ा है अभी। गाइस जय नीला सलाम। वाह दीदी वाह। अब कई लोगों को सेक्युलर नहीं पता होता है, तो मैं बता दूं सेक्युलर क्या होता है। सेक्युलर मतलब जैसे आप मान लो कि एक आदमी है, उसके बेटे ने कोई एग्जाम दिया और वो आदमी जा रहा है, तभी उसके सामने एक मंदिर आता है और वो वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि हे हनुमान जी, मेरे बेटे ने एग्जाम दिया, आप प्लीज पास करा देना। और फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, वो फिर एक मजार पड़ती है उसके सामने, वो देखता है उस पर भी लोग अगरबत्ती जला रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, तो वो वहां भी खड़े हो जाता है कि हे जो भी आप मतलब इतने लोग आ रहे हैं तो आप कोई तो हो गए। तो मेरे बेटे ने एग्जाम दिया, आप प्लीज पास करा देना। वैसे तो मैंने हनुमान जी से बात की है, लेकिन खुदा ना खास्ता आप। भाई ने अच्छी कोशिश की सेक्युलर शब्द का मीनिंग समझाने की, बट असल मीनिंग वो होता है सेक्युलर शब्द का जब हिंदू ही हिंदू होकर हिंदुओं को गाली दे। मांगे मांगे कार में चलते हैं, ढोंग रखते हैं, झूठ बोलते हैं। ये दुनिया क्या चाहती है कि बाबा हो तो साइकिल से चलो, पैदल चलो। बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। बाबा जितना काम करते हैं ना गृहस्थ, आप लोग काम नहीं कर पाते इतना। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार चार लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। बॉलीवुड क्या करता है, तुम्हारे बच्चों को गुटखा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले आपको दिक्कत नहीं है, वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले उन्हें दिक्कत नहीं है, पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा कहीं चल रहा है मर्सिडीज में, और कर रहे हैं काम तो गाड़ियां आएंगी, तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा। हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की है, परंतु गाड़ी में मरे जा रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टरों तो अटैक आ जाएगा, इसलिए क्या करें। वैसे तो मैं इन बाबा जी का कोई फैन नहीं हूँ, बट हाँ इन्होंने इस बात का बहुत ही सही व सटीक उत्तर दिया है। तो बस मेरे प्यारे आई बहनों, आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। हर कोई हिंदू हिंसक नहीं होता। हाँ चलो ठीक है, कोई होगा क्या? मैम हिंदू हिंसक ही नहीं। नहीं मैम ठीक है, चलो एटलीस्ट 1% मान के चलो। नहीं होते मैम, मैंने देखा है ना। एक हिंदू बता दो जिसने जय श्री राम बोल के कहीं पे कम फोड़ा हो। आप जिन्हें हिंसक बोल रही है, 1992 में उनपे गोलियां चली थी, और किस वजह से चली थी? 6 दिसंबर पे जब अयोध्या में बाबरी को तोड़ा गया था, सिर्फ उस वजह से उनपे गोलियां चली उन हिंदुओं पे जिन्हें आप हिंसक बोल रही हैं। और आपके अकॉर्डिंग जो हिंसा कर भी रहे हैं वो हिंदू नहीं होंगे मैम, वो वाले हिंदू होंगे जो कसाब हाथ में कलावा पहनकर आया था ना, वो वाले हिंदू होंगे, हिंदू नहीं होंगे।
पे आ गई। हिंदू हिंसक होते हैं? नहीं होते। In my thoughts,